आज मैं आपको हाइलाइटिंग बता रही हूँ कि हाइलाइटिंग कैसे करते हैं। ये क्लाइंट्स की मैंने हाइलाइटिंग्स करनी है, लेकिन इन्होंने पहले कहीं से करवाई हुई थी, वो अनइवन हुई हुई है, कहीं पर है कलर्स, कहीं पे नहीं है। अब हमें इन्हें इक्वली काम करना है, तो सबसे पहले हम इनको इवन करेंगे। बालों को इवन करने के लिए पहले मैंने बेस कलर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शंस निकालेंगे, 4 सेक्शंस निकाले हमने, उसके बाद हम बेस कलर कर रहे हैं। बेस कलर के लिए मैंने लॉरियल का मैजरल कलर लिया है, मैजरल में मैंने 4 नंबर लिया है ब्राउन कलर, क्योंकि इनका जो बालों का बेस कलर था खुद का वो भी ब्राउन कलर था। हमेशा बेस कलर हम उसी हिसाब से करेंगे जो नेचुरल कलर होता है क्लाइंट्स के हेयर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ब्राउन कलर कर रहे हैं, इसके एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं। अब हम एक एक पार्टीशंस निकालेंगे, बहुत थिन पार्टीशंस निकालेंगे और उस पर हम बेस कलर यूज़ करेंगे। कलर करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि हमने पहले ब्रश से यूज़ करना है, उसके बाद हमें फिंगर से अपने उसकी मिल्किंग करनी है, मर्जिंग करनी है, कलर अच्छे से मर्ज हो जाए। फिर कॉम से उसको पूरा ओपनली करना है उसको, जिससे कि हर एक लेयर में कलर अच्छे से पहुंच जाए, क्योंकि अगर हम लोग ये सब नहीं करेंगे तो कहीं कलर होगा कहीं नहीं होगा, हमें इक्वल काम नहीं मिलेगा, इक्वल टेक्चर नहीं मिलेगा, शेड नहीं मिलेगा। तो हमें उस सब करने के लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। अच्छे से मिल्किंग करेंगे, ठीक है, और 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम एक पार्ट करेंगे, फिर हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे हम दूसरा पार्ट करेंगे, फिर हम थर्ड एंड देन 4। तो 4 डायरेक्शन हमने निकाली थी, 4 पार्टीशंस निकाले थे, चारों के हमने एक एक करके कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये अब हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे 40 मिनट्स के लिए, और फॉइल पेपर से भी रैप कर सकते हैं, जिससे जल्दी हीटिंग हो जाए और कलर थोड़ा जल्दी आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम 40 मिनट्स तक इसका वेट करेंगे, क्योंकि हमें दूसरा कलर जो था उसको भी ख़त्म करना था बेस कलर से। अब हमने 40 मिनट वेट करने के बाद अब हम इसका वॉश करेंगे। वॉश हम पहले रिंस आउट करेंगे प्लेन वाटर से, प्लेन वाटर से रिंस आउट करने के बाद फिर हम शैम्पू करेंगे, जिससे कि आपका एक्स्ट्रा जितना भी कलर है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि हमें नेक्स्ट कलर भी करना है इसके ऊपर, तो उसके लिए भी हमें हेल्प मिलेगी। वॉश के बाद हम इसको ड्रायर करेंगे। ड्रायर पहले हम लोग नॉर्मली करेंगे, नॉर्मल कूल करेंगे, फिर हीट करेंगे। ड्रायर करने के बाद फिर हम फॉइल पेपर्स को कट करेंगे, ठीक है। फॉइल पेपर्स थोड़े चौड़े होने चाहिए, जिससे कि पूरी स्ट्रेक जो हम उठाएंगे वो उसमें कवर अप हो जाए, बाहर ना निकले केमिकल्स, बिल्कुल भी दूसरे हेयर्स पर टच ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम स्ट्रिक्स निकालेंगे इसमें और हम कलर मिक्स करके लगा रहे हैं। मैंने अब जो कलर उठाया है वो 900S है, लॉरियल का मैजरल कलर ही है वो भी, ठीक है। अब हम उससे हाईलाइट्स कर रहे हैं, ब्लॉन्ड शेड आएगा इसमें, हमने ब्राउन शेड की हाइलाइट्स करनी है। फॉइल पेपर पे इसको रैप करना है, देन इसको क्लोज करना है। क्लोज हम इसको दोनों तरफ से करेंगे अच्छे से, जिससे कि इसमें हवा पास ना हो और जल्दी से हीटिंग हो, देन कलर जल्दी से हमारा आ जाए। हमने इसके भी 4 सेक्शंस लिए हैं पूरे हेड के, 4 सेक्शंस के बाद हम उसमें एक एक इंच के सेक्शंस निकाल रहे हैं। एक इंच के सेक्शंस निकालने के बाद उसमें हम 1/4 इंच का सेक्शंस और निकालेंगे, जिसमें हम वीविंग निकालेंगे। वीविंग जिगजैग में निकालनी है, जिगजैग में जो हम लेयर्स उठा रहे हैं अपर वाली जिगजैग जो है उसमें हम कलर कर रहे हैं, जो नीचे वाला हम जिगजैग छोड़ रहे हैं उसमें हमें कलर नहीं करना है। हम जिगजैग में इसलिए उठाते हैं कि हमें मर्जिंग चाहिए, कभी हमें लेयर ऐसी नहीं चाहिए कि हाँ वो अलग से दिख रही हो पर्टिकुलर की एक लेयर इधर है एक लेयर उधर है, इसीलिए हम जिगजैग में मर्जिंग करके निकालते हैं लेयर्स को। फ्रेंड्स, हम फॉइल पेपर में पहले कॉम लगा के हम उसे फोल्ड भी करते हैं, और उसके ऊपर भी हम लोग प्रोडक्ट थोड़ा सा लगाएंगे जो हमने कलर पेस्ट बनाया हुआ है उसको भी लगाएंगे। उसका रीजन ये है कि जब हम उसके ऊपर लेयर को रखते हैं हेयर को, तो नीचे वाली जो लेयर है उसमें भी कलर अच्छे से पेस्ट हो जाता है, देन ऊपर से हम ब्रश से तो लगा रहे हैं, और ब्रश को हमेशा आपको खड़ा करके चलाना है, देन उसमें उसको मर्ज भी करना है, जिससे कि कलर अच्छे से फिल हो जाए अंदर, क्योंकि जिस लेयर में जो लेयर या हेयर आपका दब गया उसमें कलर अगर नहीं पहुंचा पूरा, तो वो लेयर क्लीन अच्छे से कलर नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं ब्लैक रह जाएगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि आपको सिर्फ कॉम करके नहीं करना है, आपको उसको अच्छे से ब्रश से मर्ज भी करना है, और जो कलर का पेस्ट है उसको अच्छे से फिल करना है हेयर में। जब अच्छे से फिल होगा तो कलर बहुत अच्छे से आएगा और बहुत जल्दी आएगा, वरना बहुत टाइम लग जाता है ऐसे। अब हमारा पूरा एप्लीकेशन हो चुका है, अब हम बैक की एप्लीकेशन हुई है हमारी, अभी फ्रंट्स की रहती है, लेकिन हम साथ साथ चेक भी करेंगे, क्योंकि हमने 2 बार कलर यूज किया है, तो हमें ये भी देखना है कि बालों की डेंसिटी भी ठीक रहे, ऐसा ना हो कि हम टाइमिंग के अनुसार अपना चलते रहे और बालों की डेंसिटी वीक हो जाए और बाल ब्रेक हो जाए बीच में से, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा केमिकल बालों में रह जाता है, कुछ ज्यादा टाइम रह जाता है, तो कलर बैक भी मारता है, देन बाल ब्रेक भी हो जाते हैं। तो हमें इसके साथ साथ ये काम भी देखना है, ये भी चीज ध्यान रखनी है, और हमें साथ साथ इसे क्लीन भी करते जाना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने क्लीन किया है, और देखो मैं कॉम करके उसको मर्ज कर रही हूँ, अब ये देखो प्रॉपर मर्ज हुआ है। अब हम बाकियों को भी इसी तरीके से चेक करेंगे
कि बाकी कलर्स हमारा हुआ है या नहीं, जो हमारे कलर्स होते जा रहे हैं उसको हम प्लेन वाटर से टिश्यूज के सहायता से उसको क्लीन कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि वाटर जब भी केमिकल्स के ऊपर लगता है तो केमिकल अपना प्रोसीजर रोक देता है, वो उसका आगे काम नहीं होता, वो रुक जाता है वहीं पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब हमारा कलर जिस लेयर्स पे होता जा रहा है उसको साथ साथ रिमूव करते जाएंगे, क्योंकि अगर ओवर हो गया तो बाल भी डैमेज हो सकते हैं। ऑलरेडी पहले से ही कलर्ड हेयर थे, उस पर हमने बेस कलर किया है, देन अब हम हाइलाइट्स कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना कि बाल डैमेज नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। और जिसमें कलर नहीं हुआ है, जिस आप हर एक फॉइल पेपर को ओपन करके देखेंगे, जिसमें नहीं हुआ है उसको हम फिर से रैप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कलर नहीं हुआ तो बाकी हमने खोल दे तो इसको अभी ओपन कर दें, नहीं, हम हर फॉइल्स पेपर को चेक करेंगे और जिसमें कलर हुआ है उसको रिमूव करेंगे, जिसमें कलर्स नहीं हुआ है उसको अभी हम होल्ड करेंगे। तो हर फॉइल पेपर को चेक करते रहना है टाइम टू टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे का कर रहे हैं, पीछे से हमने पूरा चेक कर लिया था, जो हो गए थे हमने उनको रिमूव कर दिया है, जो नहीं हुए उनको भी होल्ड पे रखा है। अब हम फ्रंट से सेक्शंस ले रहे हैं, पीछे का क्राउन एरिया का वी था, हमने उसको आगे वाले फ्रंट क्राउन एरिया पे मर्ज कर दिया, उसको मिक्स कर दिया, क्योंकि अब हम फ्रंट से अलग से सेक्शंस निकालेंगे। अब हम ये दोनों साइड से करेंगे, दोनों साइड से हम क्लीन करके निकाल रहे हैं, फिर हमने जो पीछे का वी हमने सेक्शन जो छोड़ा था क्राउन का, उसको हमने फ्रंट के हेयर में मिक्स कर दिया है प्रॉपरली। अब हम इसको टाई कर देंगे और जो हमने साइड्स में छोड़े हैं अब हम उसमें सेक्शंस निकाल के उस पर कलर करेंगे। हमने सेंटर इसलिए छोड़ा है कि हम ये लास्ट ऑफ में करेंगे। सपोज क्या होता है कि जब हम कलर कर रहे होते हैं, विविंग निकालते हैं, तो जब बाल ओपन होते हैं हेयर्स, तो क्लाइंट्स को होता है कि यार कभी स्ट्रेट पार्टिंग निकाल ली, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी उसने पीछे की तरफ सारे टाई कर लिए, तो जहां से भी वो जैसे भी पार्टिंग करे हर तरफ से कलर इक्वल ही दिखना चाहिए। इसीलिए हमने सेंटर पार्ट को अभी छोड़ा है और पीछे के वी में मिक्स करके। ठीक है, अब हम साइड्स वाला काम कर रहे हैं, साइड वाले की भी विविंग निकालनी है हमें, सेम जैसे हमने बैक किया था यही प्रोसीजर हम आगे भी अप्लाई करेंगे, उसी तरीके से हम कलर करेंगे, इसको फॉइल पेपर पर रैप करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा साइड कंप्लीट हो गया, अब हम फ्रंट जो हमने सेंटर ऑफ छोड़ा था अब हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले एक सेक्शंस निकाला है, जो वी था उसमें स्ट्रेट निकाल लिया, स्ट्रेट में से भी फिर हमने एक और लेयर निकाली है। ठीक है, उसमें हम लोग विविंग निकाल रहे हैं, विविंग निकाल के हम लोग उस पर कलर करेंगे। फ्रेंड्स, हम बीच में कॉटन्स भी लगाते हैं, कई बार क्या होता है कि जब हम काम कर रहे हैं और ये क्राउन एरिया होता है हमारा सेंटर ऑफ हेड, इसमें हीट अप ज़्यादा होता है कंपैरेटिव बाकी हेड्स के, जब हेड का जो पूरा एरिया है उसमें से सेंटर ऑफ जो होता है एरिया उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो कई बार जब हम कलर कर रहे होते हैं ये इसको लगा रहे होते हैं तो केमिकल्स में कलर में भी हीट होती है, और हमारी स्कैल्प की हीट जब मिलती है तो वो बहुत जल्दी मेल्ट होता है, तो उसकी वजह से फॉइल पेपर से कलर कभी कभार बाहर आ जाता है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कॉटन की लेयर लेंगे और फॉइल पेपर के नीचे, देन फॉइल पेपर के अपर जो उस पर पॉइंटेड है, जो उसका स्टार्टिंग है, वहीं पर हम लगा देंगे, जिससे कि दूसरे हेयर पे कलर ना आए, क्योंकि अगर दूसरे पे कलर आ गया रूट्स के पास तो वो जब ओपन होगा तो क्या होगा, वो मर्जिंग दिखेगा कि एक जगह लगा है बहुत ज़्यादा थूपा हुआ है और लेयर क्लियर नहीं दिखेंगी, तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ होता है साथ साथ में तो घबराए ना, उस वक्त सिर्फ आप कॉटन लें और कॉटन से उसको रैप कर दें पूरा, जिससे कि केमिकल बाहर दूसरे हेयर पे ना टच हो। कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट करने के बाद हम बाकी का पीछे का चेक कर रहे हैं, जो हमने होल्ड पे छोड़ा हुआ था जिसमें नहीं हुआ था लेयर पे, अब हम वो चेक करके उसको रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि फ्रंट हम पूरे हेड को वॉश एक साथ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी पीछे के भी हेयर्स हमारे रह गए थे फॉइल पेपर के। ठीक है, तो वो भी रह गया था और फ्रंट का भी हमने अभी अभी जस्ट लगाया है, तो उसको हमें टाइम चाहिए। मैं वैसे टाइमिंग जो होती है वो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स तक का होता है,
इस टाइमिंग तक तो हमें वेट करना ही पड़ता है, बाकी हेयर के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके हेयर कैसे हैं। वर्जन हेयर होता है तो 30 मिनट्स में जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आपके नॉन वर्जन हेयर है तो उसमें 45 मिनट्स एंड 1 आवर, 1.5 आवर भी लगता है, 1/2 आवर्स भी लगता है। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि कलर कैसे होना है, वो चेक करने का तरीका आपको मैंने बताया है कि बीच में चेक करते रहें साथ साथ, उससे भी हमें पता चलता रहता है कि कलर कितना हो गया और कितना नहीं हुआ है। जिस लेयर पे हुआ उसको हम रिमूव कर देंगे, जिस पे नहीं उसको हम होल्ड पे छोड़ देंगे। अब हमने सारे जो बैक के छोड़े हुए थे वो क्लीन कर दिए हैं, अब फ्रंट का सिर्फ रह गया, अब हमें उसके लिए वेट करना है। जब कलर हो चुका है प्रॉपर पूरा और हमने पूरे फॉइल पेपर रिमूव कर दिए, देन अब हम इसमें शैम्पू करेंगे। शैम्पू करके हम लोग ट्रीटमेंट भी लगाएंगे क्योंकि कलर हमने डबल यूज किया है। ट्रीटमेंट मास्क जो भी है, शैम्पू हम जिस कंपनी का यूज कर रहे हैं उसी का करेंगे। मैं फिलहाल लॉरियल का यूज कर रही हूँ। तो लॉरियल का ही मैंने मास्क भी लगाया है। मास्क को लगा के हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 5 से 10 मिनट्स होल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसको रिंस आउट करेंगे। जो हमने शैम्पू जो किया है उसमें हम प्रॉपर वाटर को सोख लेंगे अच्छे से, हैंड से, टॉवल यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम मास्क लगाएंगे, मास्क को मल्सीफाई करेंगे, मल्सीफाई करके हम लोग 5 से 7 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद हम रिंस आउट करेंगे प्लेन वाटर से। देन अब हम ड्रायर करके बालों को सुखा रहे हैं और अब ये फाइनल रिजल्ट है आपके सामने। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कलर हेयर पे केयर कैसे करनी है मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। मुझे कमेंट्स करना कि आपको वीडियो कैसे लगी और आपको कलर हेयर को केयर कैसे करना है, उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।